झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना को देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। उत्तर प्रदेश में कमजोर गरीब और किसानों का दमन हो रहा है। वे राजभवन के सामने सोमवार को आयोजित मौन व्रत कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, जिसमें राजभवन के सामने लखीमपुर खीरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ितों को न्याय दिलाने और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पार्टी ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस कार्यक्रम के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन सिर्फ कमजोर व्यक्तियों पर चलता है, शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वे नतमस्तक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना राजधर्म याद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सरकार का इकबाल कमजोरों को दबाकर स्थापित नहीं होता है। कांग्रेस तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक अन्नदाताओं को न्याय नहीं मिलता, और खैर देखने वाली बात होगी कि न्याय कब तक मिलता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।